नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर और आज आपके लिए फाइनली एक बुलेट आ चुकी है। काफ़ी टाइम से मेरे से कुछ लोग कह रहे थे कि यार एक गाड़ी दिला दो, बाइक दिला दो, या रॉयल इनफील्ड जो पुराने मॉडल की बाइक है वो दिला दो। तो उसमें सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि जो गाड़ी हमसे ख़रीदना चाहते थे या जो गाड़ी बाय करना चाहते थे और पुराने मॉडल की अच्छी और है कैसी, क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और क्या इसका प्राइस है और कैसे आप इसको अपने घर तक का ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं उस बाइक को जो आप ख़रीदना चाहते हैं। तो यह है पुराना मॉडल उल्टे पैर वाली गाड़ी। हर बंदा की एक ख्वाहिश होती है कि यार उसके पास रॉयल इनफील्ड हो, पर वो पुरानी वाली जिसमें उल्टे पैर के गियर होते हैं, इवन लाइक दिस, ठीक है। ये पुराने गियर वाली गाड़ी है, पुराना इंजन है इसके अंदर। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या इसका मॉडल है और ये गाड़ी आप कितने में बाय कर सकते हैं और कैसे आप इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। तो पहले मैं गाड़ी आपको दिखा देता हूँ, सिंपल गाड़ी देख लीजिए, क्योंकि जो बंदा है उसको शायद कुछ ज़रूरत है तब वो उसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो गाड़ी का कलर एक बार दिखाता हूँ आपको अच्छे से। तो यहाँ पर आप गाड़ी का कलर देख सकते हैं, गाड़ी की सीट A1 है, न्यू है। और गाड़ी का पेंट देखिए, टैंक पे पेंट देख लीजिए, कहीं पर भी कोई स्क्रैच या कहीं से भी देखिए कुछ नहीं है स्क्रैच के नाम की चीज़। कार्बोरेटर नया है, इंजन में ज़्यादा लीकेज आपको कहीं से कहीं तक कुछ नहीं दिखेगी। अभी मैं आपको इसकी गाड़ी का स्टार्ट करके साउंड सुनाऊंगा, उससे पहले आप पहले एक बार कलर के ऊपर पूरे में निगाह डाल दें। शॉकर इसमें गैस वाले डाल रखे हैं जो नए मॉडल में आते हैं, ठीक है। और ये कलर पीछे तक का देख सकते हैं, इंडिकेटर की कंडीशन देख सकते हैं। तो अभी आपने देखा था राइट साइड, अब है ये लेफ्ट साइड का हिस्सा। गाड़ी में बड़े हॉर्न डाल रखे हैं, क्लच कवर, ये हमारा नए वाला मॉडल होता है इवन क्या इलेक्ट्रा मॉडल, ठीक है। और जो गाड़ी का मॉडल है ये 1999 का मॉडल है। गाड़ी का पेंट आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपको बाद में कहीं ऐसा ना लगे कि यार पेंट ख़राब है कहीं पे भी, आप हर एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील पड़े हैं एस टाइप के, गाड़ी का चैन सेट बिल्कुल ओके है। अगले शॉकर, कहीं से कोई लीकेज, जो लीकेज लीकेज होती है ना उस टाइप का कुछ नहीं है। और मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जो पुराना मॉडल होता था जैसे कि उसमें हैंडल लॉक नहीं आता था, पर इसके अंदर हैंडल लॉक बना रखा है, तो इसका कोई झाड़ नहीं है कि हैंडल लॉक वाला आपको कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। तो गाड़ी इस टाइम फिलहाल ओके है। और टायर देखिए, टायर भी बिल्कुल A1 कंडीशन में है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप इस गाड़ी को अगर ख़रीदना चाहते हैं, चलिए पहले उससे भी पहले एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके सुनाते हैं कि इंजन का साउंड कैसा है। तो अब हम देख लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके इसके साउंड की टेस्टिंग कि अगर आप इसे खरीदते हैं तो इसका साउंड कैसा है। तो गाड़ी को एक बार स्टार्ट करेंगे, और एक बार साइलेंसर का साउंड सुनाएंगे। तो ये तो हो गया फिलहाल गाड़ी के इंजन का साउंड, आप लोग सुन लीजिए आपको कैसा लगा, ठीक है। और साइलेंसर चेंज करना भी चाहते हैं तो दूसरे साइलेंसर इवन मिल जाते हैं। फिलहाल इंजन ओके है, लीकेज कहीं नहीं है, ना कोई स्मोक उठा रही है, इवन क्या जो वाइट स्मोक की प्रॉब्लम रहती है ना वो भी इसके अंदर नहीं है। बैटरी ओके है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा भैया का जो इसके ऑनर हैं, और आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप गाड़ी लास्ट फाइनल क्या देंगे। और ये कितने में मिल जाएगी, इवन मैं तो कहूँगा काफ़ी अच्छा प्राइस मेरी नज़र में लग रहा है जो मेरे से बोला गया है। फिलहाल मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप लोग डायरेक्ट बात करिए, आपको ख़रीदनी है, आपको पसंद आती है तभी आप इसे ख़रीदिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी से नहीं है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।